आमतौर पर जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो उनके पास प्रवेश पत्र होता है, कागजात होते हैं, लेकिन यूपी टीईटी की परीक्षा होनी थी, बच्चों के पास कागजात पूरे थे, उसके बावजूद भी उन्हें एंट्री नहीं दी गई। उन्हें एंट्री नहीं मिली तो गुस्से में आए, हंगामा हुआ और हंगामे की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, लखनऊ, पीलीभीत, कन्नौज। तो छात्रों में गुस्सा किस कदर था, पहले छात्रों की सुन लेते हैं। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो बीएमएस से अटेस्ट मैंने कराए, बट ये प्रिंसिपल यहाँ का जो शिक्षा सदन इंटर कॉलेज है सिकंदरापुर का, ये इसने रिजेक्ट कर दिया है। इनसे हमने रिजेक्शन मांगा तो इस पे लिखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि हम रिजेक्शन लिख रहे हैं, और इन्होंने गेट से हम लोग को सबको भगा दिया। बाकी के लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए हैं, उन्हें भी 10-10 के बाद एंट्री उन्हें नहीं दी गई। अरे पहले बोला अटैच करा के लाओ, जो अटैच करा के लाए तब एंट्री नहीं कर रहे हैं। हमने इनसे प्रॉमिस किया कि मेरा अगर 5 मिनट लेट भी हो जाता है सर, हम आपको ओरिजिनल मार्कशीट दे के जाएंगे, दिखा के जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं सुनी, बस ये बोले कि सीधे बाहर निकलो गेट से। यूपी टैट की हमारा एग्ज़ाम था और उसमें हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ओनली जो हमारी मार्कशीट है ना वो अटैच नहीं थी, तो बस उसी के ऊपर से इन्होंने कैंसिल कर दिया अंदर जाना। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हमने दिए उसमें सिर्फ ओनली सिर्फ एडमिट कार्ड मांगा गया और एक आईडी, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि एडमिट कार्ड से हो जाता है। वैसे तो अब कहीं भी हम इंटरनेट से देख सकते हैं, कुछ भी, हर चीज़ आ जाती है सामने, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, हमसे कहा और भी स्टूडेंट से कि आप ओरिजिनल लेकर आइए। सिर्फ ओरिजिनल लेकर के आए और 10 बजे पूरे 10 बजे उन्होंने हमसे बोला कि हम अभी आपको 5 मिनट में एंट्री दे रहे हैं। गेट बंद हुआ, उसके बाद कोई एंट्री नहीं हुई। हमारी परेशानी ये है कि हमारे पास अटेस्टेड है पर ओरिजिनल नहीं है, उसकी वजह से ये हमें हम खंड विकास अधिकारी से हमने अटेस्ट कराई, उसके बाद भी हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है वो हमें परेशान कर रही, बोल रही है, और यहाँ पे ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अलाउ नहीं किया है, सभी लोगों का पेपर मिस करा दिया है इन्होंने। हमको यूपी टेट की परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, इसलिए हम अपना ज्ञापन देने साहब के पास आएंगे। क्यों कर दिया? उन्होंने ये कहा है कि ये एनआईएस जो आपकी जो डीआरडी और बीटीसी ये अमान्य है,